प्राइवेट वालों को कोई कंपनी में डाल करके हमने कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं बनाया है, केवल नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मान लो दूसरे और माना मानो को ये नौकरी चाहिए उसके लिए सरकार के पास आ जाए, अपनी नौकरी तो देने की बात नहीं। एचपीसी प्रश्न क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, सुन तो लो आप। एक फैसिलिटेशन दी है, मान लो सरकार को चाहिए 10,000 लोग, 10,000 में ले लिए, अब हमारे पास उसको मान लो नहीं है, कल को प्राइवेट वाला भी को कहता है कि हाँ इन्हीं शर्तों के ऊपर मुझे 100 लोग दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 1,000 दे दीजिए, और हम अगर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भी 1,000 लोग दे देते हैं तो हमारे एक दायरे में से निकल करके होकर जाएंगे, उनको भी तसली रहेगी, उनका ईपीएफ, उनका प्राइवेट फंड, ईएसआई, वो सारा कटना शुरू हो जाएगा। आज जो चीज प्राइवेट यानी ठेकेदारों के माध्यम से सारी चीजें चल रही थी, जिसका सरकार भी उपयोग करती थी, बोर्ड कॉर्पोरेशन उपयोग करते थे, यूनिवर्सिटी उपयोग करती थी, और प्राइवेट जो जो एंटरप्रेन्योर है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला है, वो भी वहीं से लेता था प्राइवेट वाले से। हमने एक सरकारी प्लेटफॉर्म दे दिया सबको, सरकारी प्लेटफॉर्म में अगर कोई लेता है, कल को हम एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं, सुनिए, हम ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना रहे हैं जिसमें अभी तक तो सब प्राइवेट एजेंसी जो है विदेशों में नौजवानों को भेजती है, और यहां से कबूतरबाजी होकर के दुनिया भर के इलीगल तरीके से भी जाते हैं, कितने ही केस बने हुए हैं। आज मान लो हम अगर सरकारी प्लेटफॉर्म दे देंगे जनता को कि भाई इसके माध्यम से आप जाओ, विदेश में नौकरी मिलती है तो हम आपको फैसिलिट करते हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, जनता को। हम कोई प्राइवेट लोगों के माध्यम से चयन करा रहे हैं ऐसा नहीं है। कंपनी जो है उस कंपनी में सारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वही हैं, केवल प्राइवेट को फैसिलिटेशन दी है भाई आपको भी आदमी चाहिए। हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है, सरकार को भी बाहर भी जहां जरूरत है, नॉर्म्स वही रहेंगे जो उस कंपनी के हैं। डिसेबल्स को क्या रिजर्वेशन इसमें दी जा रही है? गीता जी वो मथुरा जी बोल रहे हैं, क्या बताएंगे कि आज तक कितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आपके निगम के थ्रू लिस्ट एम्प्लॉयमेंट दी? बता दीजिए मंत्री जी बता दीजिए, आप ना बताएं कि कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी है ये। चलो सेकेंडली कि इस मेरिट लिस्ट को कौन डिसाइड करता है? जो है मैंने परफॉर्मा जो बनाया है सारा कुछ मैंने बनाया, इस मेरिट लिस्ट को कौन डिसाइड करता है? उसके बाद यह था कि खानपुर भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर 32 एम्प्लॉयज वहां पर ले ऑलरेडी वहां पर वर्क कर रहे थे, और वहां पर आप प्राइवेट प्लेयर्स की बात दी, वहां पर एक ठेकेदार ने निगम को लिस्ट दी और उनको अप्लाई कर दिया। आप कहते कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, आप कहते कि प्राइवेट प्लेयर्स का नाम ही नहीं है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स का नाम नहीं है या जिनको आप इंप्लॉय करने के लिए जो मेरिट आपके पास नाम रिकमेंड करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिर प्राइवेट प्लेयर ने ये लिस्ट कैसे दे दी और निगम ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दी और उनको हटा दिया? वंस जो भी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो रही है, नौकरी कर रहे हैं, उसको आप किस कैपेसिटी में हटा रहे हैं? इस बात का उत्तर चाहिए कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल, और ये पिटीशन कमेटी के सामने भी मैटर आया है, एंड गवर्नमेंट हैज एडमिटेड दैट दिस फ्रॉड हैज बीन कमिटेड एंड इंक्वायरी शुड हैव बीन देयर, और इसका रिप्लाई भी आप दें, एंड एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। ये चर्चा हुई काफी और मंत्री जी ने भी काफी लंबा चौड़ा जवाब दिया, और उन्होंने कहा मेरिट पे हम लेते हैं, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसको तो मेरिट बता रहे हो आप, उसमें नंबर दे रहे हो भाई, इतनी आमदनी से कम होना चाहिए, इतनी आमदनी इतनी होगी तो इतने नंबर मिलेंगे, ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, मेरिट नहीं है। और कौन तय करता है कि किसकी कितनी आमदनी है? पहचान परिवार पहचान पत्र से करते हो आप, परिवार पहचान पत्र कौन तय कर रहा है? वो तहसीलदार है, और जो इनकम सर्टिफिकेट या तो कोई तहसीलदार देगा या एसडीएम देगा या कोई मास्टर दे देगा, जो उसको पहचान पत्र आपने लगा रखा है वो दे देगा, उसको क्या मालूम है कि कितना पहचान पत्र है? और मेरिट की सवाल को क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है और क्या प्रक्रिया है? एचएसएससी है, एचपीसीसी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मेरिट देखते हैं, इसमें कौन सी मेरिट देखी? कोई जो प्रक्रिया वो अडॉप्ट करे हुए हैं वो कोई करी है इसने? फिर अगर उसी हिसाब से करना तो उनको डिसॉल्व करो, एसएसपी की और एचएसपी हरियाणा पुलिस सर्विस की जरूरत क्या है? ये एक खिलवाड़ है, और इस बात को बिल्कुल हम
वो नहीं करेंगे, ये भविष्य के साथ खिलवाड़। मैं आपको एक दिखाता हूँ कितना तमाशा हो रहा है इसमें। स्पीकर साहब, ये मेरे एक एक इसको श्रीमती सीमा देवी, ये रोजगार कौशल रोजगार के तहत भर्ती करी गई टीजीटी, और 6/12 को भर्ती करी गई और 9/12 को निकाल दी गई। उसने मिठाई बांट दी, 9/12 को निकाल दिया क्योंकि अब रेगुलर यहां आ गई। तो ये क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ? ये खिलवाड़ है और ये एक चोर दरवाजा खोला गया है। सारे सारे कॉन्ट्रैक्ट को ना कोई क्राइटेरिया है, ना मेरिट है, क्राइटेरिया इनकम का कर दिया, ना इनकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। इस किस्म की जो है खिलवाड़ मत करो इनके साथ नहीं भी। इसका जब ये बनाया था उस टाइम मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ठेका प्रथा कर्म खत्म करने के लिए है। ये ठेका प्रथा खत्म हो रही है, सरकार ठेकेदार बन रही है। ठेका प्रथा, 2 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो, ना उसकी प्रमोशन है, ना के कोई है, कच्चा ही रह जाएगा सारी उम्र। और कितने दिन रहेगा कच्ची नौकरी के लिए? ठेका प्रथा क्या थी? ठेका प्रथा यही थी, कच्ची नौकरी थी, वही आप काउंट कर रहे हो। चलो मैं इसमें जाता टेंडर में जो होता है, बहुत सारे सवाल खड़े। अभी 32 के 32 आपने देखा, ऐसा काम है, ऐसी खिलवाड़ मत करो, इसको तुरंत बंद करो। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे इस बात पे जवाब से सुने, पूरा बोलने तो दो। अच्छा बोलो, बोलो। आपने कहा कि ये ठेका प्रथा खत्म करेंगे, और एक तरफ कहा आपने कि 25,000 हम भर्ती करेंगे इसमें अभी थोड़े दिन पहले। इसका मतलब ये 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे आप? जो 25,000 भर्ती करोगे तो 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे, यही मतलब हुआ ना? तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? 1,82,000 खाली जगह आपकी सीधी भर्ती करो, और कोई क्राइटेरिया पढ़े लिखे बच्चों को जो जो मतलब अफसर लग सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उनको कम तनख्वाह में रखना एक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये हरियाणा के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम बिल्कुल इसको वो रिजेक्ट करते हैं, इसको तुरंत वापस किया जाए। ये खिलवाड़ कर रहे हो आप बच्चों के साथ। हो गया। मेरा नाम है सर, मेरा नाम है सर। अच्छा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता की बात हो रही थी, यदि इतनी पारदर्शिता इसमें होती तो इतने सारे विधायकों को इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। सर, पोर्टल हमेशा खुला ही नहीं होता। कभी उसमें कहा जाता है कि जिन्होंने किसी सरकारी कार्यालय में काम किया हुआ है वही पंजीकरण करा सकते हैं, दूसरे करा ही नहीं सकते। और सर, पारदर्शिता, ये तो विधायक रणधीर गोलन जी के बेटे ने इल्जाम लगाया है कि 49 लाख रुपए दिए और नौकरी नहीं लगी। सर, पारदर्शिता की बात हो रही है। और सर, सर जवाब पे बताया गया कि एचपीएससी और एचएससी से भी अलग से भर्ती हो रही है। सर, अगर भर्ती हो रही है तो इतनी पोस्टें खाली क्यों हैं? और कितने स्पीकर सर जिन्होंने पंजीकरण कराया और उन्हें नौकरी नहीं मिली, क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? लाखों लोग ऐसे हैं, पहले तो वो पंजीकरण नहीं करा पा रहे। जो पंजीकरण करा लेते हैं और नौकरी नहीं मिल रही, क्या उन्हें आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है सर। और दूसरा भी, कितनी भर्तियां एचएससीसी की माध्यम से हुई हैं? वो तो बाईपास हो गया, पक्की नौकरी नहीं है। जो आदमी, जैसे अभी हुडा साहब ने भी कहा कि 6 दिन बाद निकाल दिया, किसी को 2 महीने बाद निकाल दिया, किसी को 6 महीने बाद निकाल दिया, उनका भविष्य क्या? तो शोषण तो युवाओं का सर हो रहा है, यहां पे शोषण तो है, कहां जाएंगे वो? तो जो भर्ती एचएसएससी एचपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए वो कौशल रोजगार के माध्यम से ना किया जाए। और इसके अंदर जो जो बताया गया कि पारदर्शिता नहीं है, उस पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जी। मूलचंद जी, रिप्लाई जी, नहीं हो गया, बस हो गया। आपने बहस का विषय नहीं है। मूलचंद जी बैठ। नहीं नहीं, अध्यक्ष जी उत्तर मैं दे रहा हूँ। एक मिनट उत्तर मैं दे रहा हूँ। आप कुन्नू जी बैठ जाइए, आपका समय हो चुका। नहीं, आप तब जी बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं। सर, जो कौशल रोजगार निगम के तहत 10-10 साल से शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे कार्यरत थे ठेकेदारों के तहत, उनको निकाल के और ठेकेदारों द्वारा ही
नई सूची डाल के उनको मतलब 10 साल के उनका जो कार्य वो था अनुभव उसको भी नजर, ये मतलब इसकी सच्चाई है। मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो जो लगे हुए थे वो हर रोज धरने पे और प्रदर्शन पे कि उनके नाम बदल के और उनकी लिस्ट को चेंज करके, ये पारदर्शिता है इसके एचआरकेएम की कि उनकी नजरअंदाज कर दिया गया उनके क्राइटेरिया को। तो इस तरीके से तो फिर ये बिल्कुल ही सारा उसके भविष्य के उसके बच्चों को जो है उनको यही नहीं पता कि कितने दिन के बाद, इतने 10 साल के बाद भी उनको तो निकाल दिया और जो 6 महीने से थे उनको कर लिया गया और वही ठेकेदारों जैसे भगत फूल सिंह का बताया इस तरीके का ये करा गया। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें बिल्कुल बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई। अध्यक्ष महोदय, पहला विषय तो ये है कि आज के जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं ये केवल एचकेआरएन को लेकर के ही हैं, ना कोई एचपीएससी को लेकर के हैं, ना कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के हैं, ना बेरोजगारी को लेकर के हैं। थोड़ा सीमित रखेंगे तो उसमें थोड़ा सबकी संतुष्टि भी होगी जो जो प्रश्न चाहिए। एक मिनट, ऐसे नहीं जी, ऐसे बिल्कुल नहीं, नहीं बिना पूछे नहीं, नहीं नहीं आप चल बैठे। तो इसलिए एक तो विषय ये, दूसरा मेरा कहना है कि एचकेआरएन एक विशेष पर्पज से बनाया गया है और जैसा पहले मंत्री जी ने भी उसमें बता दिया और हमारी बहन किरण जी ने भी उसको स्वीकार किया कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी वो शिकायतें ना रहें और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है, उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे, किसी को पहले एडवांस में ले लिया फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ईएससी की सुविधा नहीं दी, वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां लिया है। तीसरा, ये एक नया पोर्टल है, पहली बार बना है, इसमें कोई कमी नहीं होगी ऐसा कोई दावा नहीं है, कुछ कमियां इसमें मान लो है तो चर्चा में से निकलेंगे, उसको ठीक किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। चौथी बात, इसमें भर्तियां अभी मात्र 4-5 हजार ही हुई है, बाकी तो जो पिछले ठेकेदारी पर चल रहे थे लोग उनको इसमें पोर्ट किया गया है ताकि वहां की सूची से निकाल करके इसमें डाल दिया जाए, जो कठिनाइयां उनको वहां आ रही हैं वो यहां बंद हो जाए और उनकी सहमति से ये सब कर रहे हैं, बिना सहमति के नहीं कर रहे, बल्कि एक जांच का विषय हम जांच करेंगे कि जो पहले भर्तियां आउटसोर्सिंग हो रही थी उसका ना तो कहीं हमारे एचआर डिपार्टमेंट में एचकेआरएस में कोई रिकॉर्ड होता है, ना उसकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से डीडी उसमें से जाती हैं, वो तो ठेकेदारों के माध्यम से उनको पैसा इकट्ठा जाता है वो आगे दे देते हैं, नाम की लिस्ट देते हैं, हजारों लोग अभी भी बकाया हैं जिनके नाम पोर्ट भी नहीं कर रहे वो और वो मिल भी नहीं रहे, कोई शिकायत भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है नीचे कोई गड़बड़ ठेकेदारों के लेवल पर रही होगी कि नाम कितने ही दे दिए, लगाए कितने और उसमें फिजिकली लोग हैं कि नहीं है, ये भी एक हमको ध्यान में आ रहा है, लेकिन जांच का विषय भी करके बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में ये सारा डाटा भी आपको बता सके। एक बहुत बड़ा ऐसा जो गलत दिशा में एक विषय चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं। स्पष्ट इसमें है कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कच्ची नौकरी है, 1 साल के लिए प्रारंभ में होती है, हर साल एक एक साल के लिए ही अगर जरूरत होगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। इनकी जगह पर अगर पक्की नौकरियों को लोग आएंगे एचपीएससी एचएसएससी के तो ये लोग हटने ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटने हैं। तीसरा, ये जो मेरिट की बात बार बार हो रही है, देखिए मेरिट तो हमने योग्यता को जो उनकी योग्यता मिनिमम योग्यता इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ने हमको कही है कि हमको इस योग्यता के लोग चाहिए, अध्यापक हैं तो अध्यापक के लिए टीजीटी की ये योग्यता वो पूरी करें, पीजीटी के लिए ये करें, जो भी कोई सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से ये करें और साथ में उनका एचटेट का टेस्ट भी पास हुआ होना चाहिए, बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी उसमें अभी क्योंकि एचटेट की लोग नहीं थे तो उस समय उनका जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा एचपीएससी में एचएसएससी में टाइम ज्यादा लगता है, भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने साल भी लगते हैं, हम और आप सब पहले करते रहे हैं, ये इंडेंट के 15 दिन में 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो, पीएन भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कहीं टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे,
तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। अभी तो मोटे रूप से दो बड़े ग्रुप अध्यापकों के किए थे और उसमें एक कठिनाई आई थी, क्या पहले तो एचटेट की कंडीशन लिख के नहीं दी थी, बाद में डिपार्टमेंट कहा कि इसमें तो एचटेट होना चाहिए था, हमने उसमें बिना एचटेट के भी कुछ उनको मार्क्स दे करके उनके जो जो उनकी क्वालिफिकेशन थी यानी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी उसके मार्क्स उतने ही 20 नंबर एचटेट का है तो 20 नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके ताकि किसी तरीके से लेकर के टेम्परेरी है पढ़ाना है बच्चों को, बाद में जैसे पक्के आएंगे उनको अलग करेंगे। फिर सेकेंड टाइम में एचटेट ले लिया, लेकिन बाद में ये एचकेएन के लोगों ने कहा कि वो तो एचटेट डिपार्टमेंट के हिसाब से होता, हर एक डिपार्टमेंट का अलग एचटेट का पेपर होता है, ऐसी जानकारी मेरे लिए भी पहली बार है। उसके कारण से कुछ बच्चों को ऑफर लेटर देने के बाद भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जा सके, जैसे 9 तारीख और 12 तारीख की बात बता रहे हैं उसमें से ऐसे कुछ हैं, तो 600-700 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गया है। 2000 सिलेक्ट हुए थे, 1400 के लगभग ज्वाइन हुए, 600 लोग अब इसमें रह गए। आगे उनकी जैसी आवश्यकता होगी उनकी मेरिट के हिसाब से जो फाइनल मेरिट है उसको सिलेक्शन में फिर आ जाएंगे तो फिर लगेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ लोगों को अभी ऑफर लेटर नहीं दिया गया है, उनको भी जल्द दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा है विदेश में नौकरी देने का भी मौका दिया जा रहा है, युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं और रोजगार दिया भी जा रहा है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा था, इसके बाद जवाब दिया गया है। हुड्डा ने कहा कौन तय करेगा किसकी कितनी आय होगी, प्रदेश में ठेका प्रथा खत्म नहीं हो रही है। तो इस वक्त की ये अहम जानकारी है, सरकार खुद ठेकेदारी कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए क्राइटेरिया तय किया जाए। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विदेश में नौकरी देने का मौका भी सरकार दे रही है, युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, रोजगार भी दिया जा रहा है, जो अभी युवा बचे हुए हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। यानी परिवार की इनकम, अब आप कहते हैं कि किसने तय किया, देखिए परिवार पहचान पत्र में बहुत पारदर्शी तरीके से हमने 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है और 70 लाख परिवारों में जिनकी गरीबी रेखा से नीचे, वो भी हरियाणा में ही तय की है पहली बार, जो अभी तक 1,20,000 रुपए वार्षिक थी, 10,000 रुपए प्रति महीना, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रख दिया ताकि और थोड़ा लेवल यानी गरीबी रेखा का ऊपर हो जाएगा तो ज्यादा लोग इसमें समाहित होंगे। और ये परिवार अब लगभग 30 लाख के आसपास है, जो हमने कल भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो राशन कार्ड की बात कही है या और जो क्राइटेरिया कहा है, ये 30 लाख परिवार है। 30 लाख परिवारों में उस योग्यता का कोई व्यक्ति मिलता है और आयु भी ये जो 30 और 35 साल के आसपास का है इसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि इससे बड़ी आयु का व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है और जो खास करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 30 साल तक 35 साल तक तो फिर भी अपने एजुकेशन साथ न्याय कर सकता है, बाकी चीजें बड़ी आयु का व्यक्ति शायद उतना न्याय, हमने हालांकि 45 साल 47 साल भी आयु रखी हुई है, रिजर्वेशन में 47 साल है। अब हम विचार करें कि 47 साल का एक व्यक्ति उसको नौकरी देंगे और वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा, 8 साल बाद 10 साल बाद रिटायर होने वाला है वो, तो इसलिए एक आदर्श आयु की जो सीमा जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो 30 और 35 साल का है, उसको प्रायोरिटी, लेकिन बाकियों को लगाना नहीं, ऐसा नहीं है, बाकियों थोड़े मार्क्स कम कर दिए। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है, अब सिरसा जिला डवाली भी वही है और नाथुरी चोपटा भी उसी में है, डिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है, तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में है थोड़ा उससे कम दिए जाए, एडज्वाइनिंग जिले में और कम दिए जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडज्वाइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव, एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआर में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से बोर्ड कारपोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो है ही है, जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी के एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही है, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो,
प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट के अनुभव की सर्टिफिकेट कौन लेके कहां से आएगा? कोई आपके हमारे हाथ में है कुछ किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी कंपनी से प्राइवेट का सर्टिफिकेट बना के लाएगा और फिर वो बाद में कहेंगे कि ये सब तालमेल हो गया, खेल हो गया। तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव भी हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा, आखिरी जिंदा जायब है, 21 साल के बाद, 2 साल, 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा। अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं अच्छा सारी उम्र की चिंता इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है, जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैचुरी कोई प्रावधान हो सकता। एक साल मैंने बताया, वो 3 दिन का मैंने बताया, वो योग्यता के अंदर गड़बड़ हुई है, उसमें 600-700 साल आ